त्योहारों का मौसम आते ही कई तरीके की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी और एकदम इजी सी ये मिठाई, जिसमें ना तो आपको घी की ज़रूरत है, ना दूध, ना मावा, ना खोआ, किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही थोड़ी चीज़ से हम इस बहुत ही मज़ेदार सी और एकदम टेस्टी सी, साथ ही बहुत बहुत हेल्दी सी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्लास सारिका, और मैं हूँ सारिका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने लिए हैं एक सूखा नारियल का गोला और इसको हम इस तरीके से टुकड़ों में काट लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर दो तरीके से नारियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसे दो तरीके से भी काटेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा हमें लेना है और उसके हमें पतले पतले से स्लाइसेस तैयार करने हैं, और बाकी के नारियल के हम फ्लेक्स बनाएंगे, यानी हम उसको कद्दूकस करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर एक छोटा टुकड़ा लिया है जिसको हम पतले पतले इस तरीके से स्लाइस में काट लेते हैं। बस थोड़े ही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और बाकी के जो सूखे नारियल हैं उनको हम इस तरीके से मोटे वाले कद्दूकस में कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहे तो मार्केट में भी नारियल के फ्लेक्स मिलते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप ग्रेट नहीं करना चाहते हैं तो। तो ये देखिए, हमारे नारियल के फ्लेक्स बहुत ही अच्छे से तैयार हुए हैं। इसी तरीके से सारे हम कद्दूकस करके रेडी करेंगे। यहाँ देखिए, हमारे सारे नारियल अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लिए हैं मैंने। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब नारियल का गोला एक या दो अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। चलिए इसको साइड में रखते हैं और चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ मैंने एक पैन रख दिया है गैस के ऊपर, थोड़ी भारी तली का बर्तन ले तो ज़्यादा अच्छा है। और इसमें हम डालेंगे मूंगफली के दाने बिना घी या तेल डाले, लगभग 2 से 4 बड़े चम्मच डालेंगे। अपने इच्छा अनुसार आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। मूंगफली के दाने जैसे ही हल्के से सिक जाएंगे ना, हम इसमें डालेंगे मक्खाने। तो ये मैंने लगभग 1 कप के आसपास लिए हैं। ये इस मिठाई को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाते हैं, तो आप ज़रूर डालिएगा। 1 कप ये डाल दिए मैंने, और इसे भी हम अच्छी तरीके से मूंगफली के दानों के साथ ही भून लेंगे। ये बहुत ही जल्दी भून जाते हैं। जब ये अच्छे से सिक जाएंगे तो देखिए, मूंगफली के छिलके जो है ना, वो भी निकल रहे हैं, और जो मखाने हैं अगर उनको भी आप हल्के हाथों से दबाएंगे तो ये इस तरीके से टुकड़ों में टूट जाएंगे। ये देखिए, देख रहे हैं, मतलब आपके मखाने भी अच्छे तरीके से सिक गए हैं। तो अब हम इसको ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, और चलिए इसको निकाल लेते हैं अलग प्लेट में और इनको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तब तक हम इसको साइड में रखते हैं, और वापस उसी पैन में हम डालेंगे थोड़ी सी पॉपी सीड, यानी कि खसखस। ये देखिए, इससे मिठाई में थोड़ी सी क्रिस्पनेस आती है और ये बहुत हेल्दी भी होते हैं। तो अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको हटा सकते हैं। तो लगभग 2 बड़ा चम्मच ये मैंने पॉपी सीड लिए हैं। इसके साथ ही डालेंगे खरबूजे के बीज, ये भी मैंने 2 बड़ा चम्मच लिया है। और इन दोनों चीज़ों को हम हल्की आंच पर बिल्कुल 1 मिनट से भी थोड़े समय के लिए भून लेंगे। हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब ये बढ़िया से तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, बहुत ही जल्दी सिक जाते हैं, और इनको लगातार चलाते हुए ही भूनना है। देखिए, ये भी तैयार हो गए हैं, तो इनको भी हम अलग प्लेट में निकालेंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमें बिल्कुल लास्ट में करना है। और अब सेम पैन में हम डालेंगे बिल्कुल आधी छोटी चम्मच के आसपास देसी घी। आप चाहें तो कोई भी ऑयल ले सकते हैं, या फिर बिना ऑयल के भी आप चाहें तो बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी घी डाली है, और उसमें डाल देंगे ये हमारे नारियल जिसको हमने स्लाइस में काट कर लिए थे, साथ ही 2 टेबलस्पून के आसपास काजू लिए हैं, और उनको मैंने बीच से तोड़ लिया है। इन दोनों चीज़ों को हम हल्के से घी में भूनेंगे ना, तो ये जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। वैसे अगर आप बिना घी के भी रोस्ट करेंगे ना, तो अच्छे से भून जाएंगे। तो बिल्कुल आधे मिनट के लिए भूनना है। देखिए, बहुत ही जल्दी ये सिक जाते हैं और अच्छा सा कलर भी आ जाता है। तो तुरंत इसे पैन से अलग कर लीजिए, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। इसको भी हम निकालेंगे, और अब सेम पैन में सबसे लास्ट में हम डालेंगे ये हमारे कद्दूकस किए हुए नारियल। अगर आपने मार्केट वाले लिए है तो भी आप उसको इसी तरीके से पैन में डालकर हल्का सा भून कर लेंगे। तो इसको भी हम डाल देते हैं, और लगभग 2 मिनट तक हम इनको धीमी आंच पर अच्छे से क्रिस्प होने तक भुनेंगे, लगातार चलाते हुए, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये जल्दी ही डार्क हो जाएंगे। और ये देखिए, हमारे नारियल अच्छी तरीके से सिक कर तैयार हो चुके हैं, एकदम बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है। तो चलिए, इसको भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक अलग प्लेट में। ये देखिए, तो यहाँ पर नारियल सीखे हैं, यानी उसको चेक करने के लिए आप क्या करें, थोड़े से नारियल के इस तरीके से फ्लेक्स उठाएं और हाथों में इस तरीके से रगड़ कर देखें, ये टूट रहे हैं, मतलब तैयार हैं। अब यहाँ पर जो हमने मूंगफली के दाने और मखाने को भून कर लिया था, तो सबसे पहले मखाने को हम डाल देंगे एक मिक्सी के जार में, तो साफ़ और सूखा यूज़ करें। मखाने डालने के बाद ये जो मूंगफली के दाने बचे हैं ना, इसके हम छिलके हटा लेंगे।
आसानी से छिलके हटाने का तरीका मैंने अभी मूंगफली की बर्फी बनाई थी उसमें बताई है, तो आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें आप बहुत सारे मूंगफली के छिलके आसानी से हटा सकते हैं। तो लीजिए, हमारे मूंगफली के दाने बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इनको भी हम डाल देंगे मखाने के साथ मिक्सी के जार में, और चलिए इसको पीसना है। लेकिन आपको पीसने में ध्यान रखना है कि मिक्सी को सिर्फ 2 या 3 बार चलाना है, क्योंकि हमें इसका बारीक पाउडर नहीं करना है। इतना ही पीसना है कि ये सारी चीज़ें अच्छे से टुकड़ों में टूट जाएँ। तो यहाँ देखिए, हमारी जो मूंगफली और मखाने हैं वो अच्छी तरीके से टुकड़ों में टूट गए हैं एकदम बढ़िया से। इसी तरीके के टेक्सचर में हमें इसको पीसना है। चलिए इसको डाल देते हैं हम ये नारियल के फ्लेक्स के साथ जिसको हमने भून कर लिया था, ये देखिए। तो अभी इसको साइड में रखते हैं और चलिए अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो यहाँ मैंने वापस से उसी पैन को थोड़ा सा क्लीन करके ले लिया है, और अब इसमें डालेंगे लगभग 300 ग्राम के आसपास चीनी। यहाँ पर आप चाहें तो गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो और भी ज़्यादा हेल्दी होगा। अब जिस बर्तन से नाप कर हमने चीनी लिया था उसी बर्तन से उस चीनी का आधा हमें पानी डालना है, और अब फ्लेम को थोड़ा सा कम मतलब मीडियम से लो करके हम इसको अच्छी तरीके से घुलने तक पकाएंगे। ध्यान रहे फ्लेम को हमें बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, नहीं तो पानी जो है वो जल्दी सूख जाएंगे और चीनी आपकी अच्छे से पिघलेगी नहीं। तो ये देखिए, चीनी हमारी अच्छी तरीके से पिघल चुकी है और चाशनी हमारी लगभग गाढ़ी होने लगी है। देख सकते हैं बबल्स आ रहे हैं, मतलब चाशनी बिल्कुल रेडी होने वाली है। इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, चाशनी में बिल्कुल एक तार बनने तक हमें इसको पकाना है, ये देखिए। तो ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट है सारी चीज़ों को मिलाने का। तो सबसे पहले चाशनी में हम डालेंगे लगभग 2 से 3 इलायची के दाने जिसको अच्छे से कूट कर लिया है। अगर आप ताजे इलायची को इस तरीके से कूट कर डालते हैं ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। वैसे आप चाहें तो मार्केट वाली भी ले सकते हैं, आधी छोटी चम्मच। इसके साथ ही डाला है जायफल, जो गर्म मसाले में आता है ना गोल गोल सा, ये देखिए कुछ इस तरीके से। उसका मैं पाउडर बनाकर रखती हूँ, तो यहाँ पर ये मैं आधी छोटी चम्मच डाल रही हूँ, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी इन्हांस होता है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इसको हटा सकते हैं। इसको डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब बारी आती है ये सारी चीज़ें डालने की जो हमने भून कर ली थी। तो इस टाइम पे चाहें तो गैस का फ्लेम बंद कर दें या फिर एकदम कम रखें, नहीं तो चाशनी है वो जल्दी ही जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। तो यहाँ पर अब डाल देंगे हमारा ये भुने हुए मेलन सीड और ये पॉपी सीड यानी खसखस, और ये दोनों चीज़ें को हम अच्छी तरीके से इस चाशनी के साथ पहले मिला लेंगे, फिर हम गैस का फ्लेम बढ़ाएंगे। तो ध्यान रहे आपका जो चाशनी है वो अच्छे से इसमें मिल जाना चाहिए, इतनी ही चाशनी बनानी है। और ये देखिए, हमारी ये सारा मिक्सचर चाशनी में बढ़िया से मिल चुका है। देख सकते हैं ना, तो चाशनी ज़्यादा बनी थी और ना ही कम। तो आपको जितना आप सामान ले रहे हैं उसी हिसाब से आपको चाशनी बनानी है, ताकि सारी चीज़ें चाशनी में अच्छे से घुल मिल जाए। तो ये देखिए, हमारी चाशनी बढ़िया से इसमें मिल गई है। और अब इसको हम क्या करेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और बिल्कुल 1 से आधा मिनट के लिए हम इसको इसी तरीके से चला लेंगे। ये बढ़िया से तैयार हुए या नहीं उसको चेक करने के लिए आप देखेंगे ये तुरंत ही कढ़ाई को छोड़ देंगे, या फिर यहाँ पर छोटे छोटे से चाशनी में बबल्स आ जाएंगे। तो देख सकते हैं ये पैन से अलग भी होने लगे हैं और चाशनी में छोटे छोटे से बबल्स भी आने चालू हो गए हैं। तो अब आप इसको गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए, नहीं तो आपकी जो मिठाई बनेगी वो बहुत सख्त बनेगी। अगर आप बिल्कुल मुंह में घुलने वाली चाहते हैं ना, तो अभी गैस का फ्लेम बंद करना होगा। और अब इसको जमाने के लिए थाली तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक थाली ले लीजिए या फिर बर्फ़ी वाली ट्रे ले लीजिए, थोड़ा सा घी या फिर तेल लगाकर उसको चिकना कर लीजिए, या फिर अगर घी तेल नहीं लगाना चाहते हैं तो बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर थाली पर बिल्कुल हल्का सा इसको बढ़िया से कोनों पे भी अच्छे से कोट कर लीजिए घी से, ताकि आसानी से निकल सके इसलिए। और अब बिना देर किए हम ये मिक्सचर डाल देंगे थाली के अंदर। अगर आप थोड़ा भी वेट करेंगे ना तो ये मिक्सचर हमारा पैन में ही जमने लगेगा। तो अब क्या करेंगे, इसको तुरंत ही फैला लेंगे किसी भी स्पैचुला से या फिर चम्मच की मदद से, और इसको बहुत मोटा नहीं फैलाना है और ना ही ज़्यादा पतला, थोड़ा सा बर्फ़ी की तरह हम इसको फैलाएंगे, थिकनेस उतनी ही रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, थाली मेरी थोड़ी सी बड़ी थी इसलिए मैंने थोड़ा कम ही फैलाया है, लेकिन इसको 1/2 इंच जितना मोटा रखा है। अच्छी तरीके से बराबर कर लीजिए, और अभी ये मिक्सचर गर्म है तभी हम इसमें थोड़े से गार्निशिंग के लिए पिस्ता बारीक कटे हुए डाल देंगे, और साथ ही जो हमने काजू और नारियल लिए थे ना उसको भी हम अच्छे से सजा लेंगे जब हम इसको बर्फ़ी की तरह काटेंगे। तो उसी हिसाब से इसको लगाइए, ताकि जब हम बर्फ़ी की तरह काटें तो ये इसके ऊपर लगे रहने चाहिए। और अभी ये गर्म है तभी हम इस पर चाकू से निशान लगा लेंगे कि हमें इसको काटना कैसे है। तो आप अपने हिसाब से चौकोर या फिर जैसे आपको अच्छा लगे आप इसको काट सकते हैं, गोल गोल भी काट सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने इसके निशान लगा लिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, 1 घंटे के लिए हम ऐसे ही टेबल पे छोड़ देंगे, ये आराम से ठंडे हो जाएंगे, बिल्कुल भी फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं और बढ़िया से सेट हो जाते हैं। तो मिलते हैं इसको सेट करने के बाद।
और ये लीजिए, 1 घंटे हो चुके हैं, मैंने इसको चाकू से अच्छी तरीके से काट लिया है। निशान लगाने के बाद बढ़िया से सेट हो गया है, देख सकते हैं। चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो निकालने के लिए कोई भी चाकू या फिर इस तरीके का स्पैचुला ले लीजिए, जिससे कि आसानी से निकल जाएंगे। और ये देखिए, एकदम चिक्की की तरह निकल रहे हैं ना, और एकदम परफेक्ट बने हैं ये हमारी बर्फी, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मज़ेदार। ये देखिए, एकदम मुंह में घुल जाने वाली, बहुत ही हेल्दी और बहुत बहुत टेस्टी। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसको बनाकर महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। चाहे बच्चे हो या फिर बड़े, सभी को ये बहुत अच्छी लगती है। तो इस जन्माष्टमी आप ये मेवा पाक ज़रूर बनाइए, इस तरीके से आपको बहुत पसंद आएगी। कैसी लगी रेसिपी ज़रूर से हमें लिखकर बताइए, मैं आपको इन्हें तोड़कर दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। तो चाशनी को कुक करते समय ध्यान रखें कि चाशनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है और ना ही ज़्यादा पकाना है, नहीं तो आपकी जो मेवा पाक है वो बहुत हार्ड बनेगी और सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो ये देखिए, एकदम मुंह में घुल जाने वाला टेक्सचर है इसका, ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिए और इस रेसिपी को ढेर सारे फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपके पास मेरी हर दिन की नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, वो भी फ्री में। तो इन्जॉय कीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।